गुड आफ्टरनून मेरे प्यारे दोस्तों, सभी लोगों को मेरा नमस्कार। स्वागत करते हैं आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल कोडिंग स्टडी पॉइंट में। तो प्यारे दोस्तों, आज की क्लास में हम लोग स्टार्ट करेंगे एक नया चैप्टर, चैप्टर नंबर 11, जिस चैप्टर का नाम है लाभ हानि एवं बट्टा। प्यारे दोस्तों, इसके पहले ऑलरेडी मैंने चैप्टर नंबर 1 से लेकर के चैप्टर नंबर 10 तक टोटल चैप्टर को बिल्कुल बेसिक के साथ और टोटल क्वेश्चन का सॉल्यूशन करवा दिया है। यदि आपने पिछली वीडियो नहीं देखा है तो जरूर देखिएगा, डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएगा। प्यारे दोस्तों, लाभ हानि एवं बट्टा को मैं इस तरीके से आपको पढ़ाऊंगा कि प्रत्येक क्वेश्चन को आप 5 से 10 सेकंड के अंदर सॉल्व कर पाएंगे। प्यारे दोस्तों, लाभ हानि एवं बट्टा के कोई भी फार्मूला आपको याद नहीं करना पड़ेगा। यदि आप फार्मूला याद करते हैं तो एवरेजली मान के चलिए प्रत्येक चैप्टर में 10 से 15 फार्मूला दिया गया है, तो टोटल के 40 चैप्टर के अनुसार आपको 500 से 600 फार्मूला ध्यान में रखना पड़ेगा। तो इस तरीके से प्यारे दोस्तों, आपको फार्मूला रखना नहीं है, मैं आपको इस चैप्टर को या कह सकते प्रत्येक चैप्टर को इस तरीके से बिल्कुल कॉन्सेप्चुअल और ठीक से पढ़ाता हूँ कि आपको फार्मूला ना रखना पड़े और प्रत्येक क्वेश्चन को 5 से 10 सेकंड के अंदर आप सॉल्व कर पाए, क्योंकि आपके एग्जाम में टाइम का बाउंडेशन होता है। इसलिए मैं प्रत्येक क्वेश्चन को इस तरीके से आपको पढ़ाता हूँ, इस तरीके से उसका सॉल्यूशन देता हूँ कि प्रत्येक क्वेश्चन को आप 5 से 10 सेकंड के अंदर सॉल्व कर पाए। तो स्टार्ट करते हैं आज की क्लास। तो सबसे पहले बेसिक देखेंगे कि लाभ हानि एवं बट्टा होता क्या है, उसके बाद से उसके क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। प्यारे दोस्तों, सबसे पहले बेसिक समझ लीजिए कि लाभ क्या होता है, हानि क्या होता है, क्रय मूल्य क्या होता है, विक्रय मूल्य क्या होता है, उसके बाद से हम क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। सबसे पहले प्यारे दोस्तों समझिएगा क्रय मूल्य क्या होता है। कोई भी चीज जितने रुपए में खरीदते हैं वो आपका क्रय मूल्य होता है, यानी कि कोई भी वस्तु जितने रुपए में आप खरीदते हैं वही उसका क्रय मूल्य होता है। जैसे ये मार्कर है, इस मार्कर को यदि मैं 5 रुपए में खरीद कर लाता हूं तो इस मार्कर का जो क्रय मूल्य होगा वो आपका 5 रुपए होगा। यहां तक आपको समझ में आ गया होगा। अब देखिए विक्रय मूल्य क्या होता है। कोई भी चीज आप जितने रुपए में बेचते हैं या कह सकते हैं कोई भी वस्तु जितने रुपए में बेची जाती है वह उसका विक्रय मूल्य होता है। जैसे इस मार्कर को मैंने किसी को बेच दिया 6 रुपया में, तो इस मार्कर का जो विक्रय मूल्य हो जाएगा 6 रुपया। तो क्रय मूल्य क्या होता है, जितने रुपए में कोई वस्तु खरीदी जाती है उसको हम बोलते हैं क्रय मूल्य, और जितने रुपए में कोई भी वस्तु बेची जाती है उसको हम बोलते हैं विक्रय मूल्य। अब लाभ क्या होता है, जैसे कि मैंने मार्कर को खरीद कर लाया 5 रुपए में और बेचा 6 रुपए में, तो हमको कितने रुपए का लाभ हुआ, 1 रुपए का लाभ हुआ। तो लाभ निकालने के लिए करना क्या होता है, विक्रय मूल्य में से आपको क्रय मूल्य घटा देना होता है। जैसे कि इस मार्कर को मैंने 6 रुपया में बेच दिया, 6 रुपया में बेच दिया और खरीद कर कितने में लाया था, 5 रुपया में, तो कितने का लाभ हो गया, 1 रुपया। यानी कि हमको लाभ निकालने के लिए विक्रय मूल्य में से क्रय मूल्य घटाना होता है। वहीं पर हानि क्या होता है, जैसे जैसे मान लीजिए इस मार्कर को ही मैंने 4 रुपए में खरीद कर लाया, 4 रुपए में खरीद कर लाया और इस मार्कर को हमको 3 रुपए में बेचना पड़ा, 4 रुपए में खरीद कर लाया और 3 रुपए में बेचना पड़ा, तो कितने का हानि हो रहा है, 1 रुपए का हानि हो रहा है। तो उसी तरह से हानि बराबर आपका होता है क्रय मूल्य माइनस का विक्रय मूल्य, यानी कि जितने में खरीद कर लाए उससे कम रेट में यदि आपको बेचना पड़े तो उसको हम बोलते हैं हानि। जैसे कि मैंने इस मार्कर को 4 रुपया में खरीद कर लाया और हमको 3 रुपया में बेचना पड़ा, तो कितने का हानि हो रहा है, 1 रुपए का हानि हो रहा है। ओके, वहीं पर प्रतिशत लाभ बराबर आपका होता है लाभ गुणे 100 बट्टा क्रय मूल्य, और प्रतिशत हानि बराबर होता है हानि गुणे 100 बट्टा क्रय मूल्य। तो ये तो मैंने बेसिक बताया, अब क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। प्रत्येक क्वेश्चन को बिल्कुल मैं कॉन्सेप्चुअल और ट्रिक से बताऊंगा, आपको 100% क्लियर हो जाएगा और एक भी फार्मूला आपको रटना भी नहीं होगा। तो स्टार्ट करते हैं, देखते हैं क्वेश्चन नंबर 1। क्वेश्चन नंबर 1 आपका है, राम ने एक साइकिल बिक्री कर सहित ₹3300 में खरीदी, यदि बिक्री कर की दर 10% हो तो साइकिल का वास्तविक मूल्य क्या है। 4 ऑप्शन आपको दे रखा है। यह क्वेश्चन आपके यूपी पॉलिटेक्निक एंट्रेंस एग्जाम 2011 में पूछा गया क्वेश्चन है। यह चैप्टर बहुत ही महत्वपूर्ण और इंपॉर्टेंट चैप्टर है, क्योंकि इस चैप्टर से
आपके यूपी पॉलिटेक्निक एंट्रेंस एग्जाम में 2 से 3 क्वेश्चन पूछे जाने हैं। आप देख सकते हैं क्वेश्चन नंबर 1 से लेकर के क्वेश्चन नंबर 6 तक सारे प्रश्न आपके एग्जाम में पूछे गए क्वेश्चन है। तो ध्यान से इस क्वेश्चन को समझिएगा। सबसे पहले आपको समझना ये है कि बिक्री कर होता क्या है। तो ध्यान से समझिएगा बिक्री कर क्या होता है। जैसे कोई मोबाइल मान लीजिए आपने 2000 रुपए में खरीदा, यानी कि जो मोबाइल का जो क्रय मूल्य है वह आपका 2000 रुपया है। मोबाइल का क्रय मूल्य 2000 रुपया है। इस 2000 रुपये पे यदि 10% का कर लगे, तो 2000 पर आप 10% का कर निकालेंगे तो कितना आएगा? तो यहाँ से आपका 00 से 00 कैंसिल, यानी 200 रुपया। यानी कि क्रय मूल्य मोबाइल का 2000 रुपया है, उस पर आपको कर देना पड़ता है 10%। 10% की वैल्यू आपका है 200, यानी कि इस मोबाइल को खरीदने के लिए आपको 2200 रुपया देना पड़ता है। 2000 रुपया तो मोबाइल का क्रय मूल्य है, मोबाइल पर कर लगता है 10%, तो 10% का मान निकालेंगे तो 200 यानी 2200 रुपया देना पड़ता है। जो कि यह कर मैंने बोला यह अब जीएसटी के रूप में कन्वर्ट हो गया है। इसको बोलते हैं गुड्स एंड सर्विस टैक्स। जो आपका टी है इसका फुल फॉर्म है टैक्स, तो टैक्स को ही कर बोलते हैं। यानी कि कोई भी चीज आप खरीदने जाते हैं उस पर कर लगता है। तो उसी तरह इस क्वेश्चन में बोला गया है कि बिक्री कर सहित 3300 रुपया है, यानी कि इसमें क्रय मूल्य के साथ बिक्री कर भी जुड़ा है। क्या जुड़ा है? बिक्री कर। तो क्रय मूल्य के साथ बिक्री कर को जोड़कर उस साइकिल का जो मूल्य है वो आपका 3300 रुपया है। फिर बोला गया है कि जो बिक्री कर है वह 10% है। बिक्री कर कितना है? बिक्री कर आपका 10% है। तो आपको क्रय मूल्य ज्ञात करना है। तो ध्यान से क्वेश्चन को समझिएगा, ये तो मैंने आपको समझाने के लिए बताया है। अब देखिएगा कोई भी चीज हो उसका जो क्रय मूल्य होता है हमेशा 100% होता है। चाहे मार्कर हो या कोई भी चीज हो, उसका क्रय मूल्य आपको 100% लेना होता है। तो क्रय मूल्य आपका है 100% प्लस का बिक्री कर है आपका 10%, इसका मान आपको दे रखा है 3300। तो यहां से देखिएगा 100% और 10% जोड़ेंगे तो 110%। 110% का मान आपको दे रखा है 3300। 10 से 10 कैंसिल, 11 से काटेंगे तो 3 बार जाएगा यानी 30। यानी 1% का जो मान है वह आपका 30 है। आपसे पूछा जा रहा है कि साइकिल का वास्तविक मूल्य क्या है। क्रय मूल्य को वास्तविक मूल्य या सूच मूल्य भी कहते हैं। जो आपका क्रय मूल्य होता है इसको हम वास्तविक मूल्य या सूची मूल्य भी बोलते हैं। तो कंफ्यूज मत होइएगा, चाहे क्रय मूल्य पूछे, चाहे वास्तविक मूल्य पूछे, चाहे सूची मूल्य पूछे, तीनों एक समान है। तो इसके बाद से 1% की वैल्यू मैंने 30 निकाल लिया, हमको निकालना है वास्तविक मूल्य। तो वास्तविक मूल्य कितने परसेंट के बराबर है? 100% के बराबर है। तो 1% का मान आपका 30 है, तो वास्तविक मूल्य यानी क्रय मूल्य निकालना है। तो 100% का मान निकालने के लिए क्या करेंगे? दोनों तरफ आप 100 से मल्टीप्लाई कर दीजिए। तो यहां पर आपका 100% का मान कितना आ जाएगा? 30 × 100 करेंगे तो 3000। यानी कि साइकिल का जो वास्तविक मूल्य है वो आपका 3000 है। इस तरीके से इस क्वेश्चन का जो आंसर होगा वो आपका ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर टू आपका है, डेविड एक रेडियो रुपया 882 में खरीदता है जिसमें बिक्री कर सम्मिलित है। कहीं पर भी आपसे पूछ लिया जाए बिक्री कर भी सम्मिलित है, यानी कि उसका मतलब यह है कि क्रय मूल्य और बिक्री कर दोनों का ऐड करके दिया है। फिर आगे बोला गया है यदि रेडियो का क्रय मूल्य 840 है तो बिक्री कर की दर है 4। ऑप्शन आपको दे रखा है। यह क्वेश्चन आपके यूपी पॉलिटेक्निक एंट्रेंस एग्जाम 2013 में पूछा गया क्वेश्चन है। तो ध्यान से इस क्वेश्चन को समझिएगा, यहाँ पर क्रय मूल्य और बिक्री कर दोनों को ऐड करके उसका मान दे रखा है 882 और क्रय मूल्य 840 है। यदि मैं क्रय मूल्य का यहाँ पर मान रख दूं तो हमको बिक्री कर पता चल जाएगा। तो क्रय मूल्य का मान मैं रख देता हूँ 840 प्लस का आपका है बिक्री कर बराबर है आपका
बिक्री कर आपका कितना निकलेगा, बिक्री कर निकाल लीजिए, 882 में से 840 घटाइए तो 882 में से 840 घटाएंगे तो मिलेगा आपको कितना, मिलेगा आपको 42 रुपया। यानी कि बिक्री कर जो है वह 42 रुपया है। तो आपसे पूछा जा रहा है बिक्री कर की दर कितना कर लग रहा है, 42 रुपया कर लग रहा है। यह कर किस पे लगता है, हमेशा कोई भी कर जो लगता है वह आपका क्रय मूल्य पर ही लगता है। जैसे कि मैंने आपको मोबाइल का एग्जाम्पल बताया, आपकी मोबाइल 2000 रुपये की थी, उसपे जो कर लगा 200 रुपया। यानी कि हमेशा जो कर लगता है वह आपका क्रय मूल्य पर ही लगता है। तो क्रय मूल्य है आपका 840 और परसेंटेज में चेंज करने के लिए इसमें 100 से गुणा कर दीजिए तो यहां से आपको आर का मान मिल जाएगा। अब देखिएगा, 0 से 0 कैंसिल, 42 से काटेंगे 84 को तो 2 बार मिल जाएगा, यानी आर बराबर आपको मिल जाएगा 10/2, 2 से काटेंगे तो 5%। यानी कि बिक्री कर की जो दर है, बिक्री कर का जो रेट है वो आपका 5% है। इस तरीके से इस क्वेश्चन का जो आंसर होगा वो आपका ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 आपका है 10% तथा 20% की क्रमवार कटौतियां किस एकमात्र कटौती के समतुल्य होगी। 4 ऑप्शन आपको दे रखा है। यह भी क्वेश्चन आपके यूपी पॉलिटेक्निक एंट्रेंस एग्जाम 2011 में पूछा गया क्वेश्चन है। तो 10% और 20% दो क्रमागत कटौतियां हैं, आपको समतुल्य कटौती निकालना है। तो सबसे पहले मान लिया कि कोई भी वस्तु है जिसका क्रय मूल्य वो आपका, क्रय मूल्य आपका 100 है। मैंने मान लिया कोई भी वस्तु है जिसका क्रय मूल्य 100 है। इस क्रय मूल्य पर दो कटौती हो रहा है, एक 10% का एक 20% का। तो सबसे पहले 10% निकालते हैं, 100 का 10% निकाल लेते हैं, लिखेंगे 100 का 10%। तो 100 का 10% निकालिए तो 100 का 10% निकालेंगे कितना आएगा, 10। यानी कि पहली कटौती पर 10 रुपया छूट मिल रहा है। तो 10 रुपया छूट देने के बाद पहले 100 था, इसमें 10 छूट मिल रहा है, तो अब क्रय मूल्य कितना हो जाएगा, नया जो क्रय मूल्य आपका हो जाएगा, नया क्रय मूल्य जो आपका हो जाएगा कितना हो जाएगा, नया क्रय मूल्य हो जाएगा आपका 90। क्योंकि 10% की कटौती हो रही है तो 100 से 10% की कटौती करेंगे तो 10 मिलेगा, और 100 में से मैंने 10 घटा दिया तो 90। अब बोला जा रहा है कि दूसरी जो कटौती है वो आपका 20% है, तो 90 का आप 20% निकाल लीजिए। तो 90 का 20% निकालेंगे तो यहां से 00 से 00 कैंसिल, यानी 9 × 2 = 18। यानी कि 10% पर कटौती आपको 10 रुपया मिल रहा है और 20% पर कटौती आपको 18 रुपया मिल रहा है। तो समतुल्य कटौती कितना हो जाएगा, 10 रुपया यहाँ से और 18 रुपया यहाँ से, यानी टोटल का 28 रुपया मिल रहा है, यानी कि 28%। यही आपका आंसर हो जाएगा। इस तरीके से इस क्वेश्चन का जो आंसर होगा वो आपका ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 आपका है, किसी ग्राहक को एक मोटरसाइकिल जिसका अंकित मूल्य 40,000 रुपया है खरीदने के लिए 44,800 देने पड़ते हैं। मोटरसाइकिल पर बिक्री कर की दर है, तो ध्यान से इस क्वेश्चन को समझिएगा। आपका अंकित मूल्य है 40,000। अंकित मूल्य कितना है, 40,000 है। अंकित मूल्य बराबर आपको दे रखा है 40,000 और आपको खरीदने के लिए 44,800 रुपये देने पड़ते हैं। तो 40,000 की आपकी मोटरसाइकिल है, 44,800 रुपया देना पड़ता है। तो 44,800 रुपया इसलिए देना पड़ता है क्योंकि इस मोटरसाइकिल के क्रय मूल्य पर आपका कर लग रहा है। या तो यह कह सकते हैं इस मोटरसाइकिल के क्रय मूल्य पर आपका जीएसटी दर लग रहा है। तो इसका जो मूल्य हो जाता है वह आपका 44,800 रुपया, कर सहित 44,800, मोटरसाइकिल का क्रय मूल्य 40,000 था और क्रय सहित, वहां पर क्वेश्चन में बोला नहीं गया है लेकिन आपको समझना है, यदि मोटरसाइकिल का मूल्य 40,000 है तो बढ़ क्यों रहा है, क्योंकि कर लग रहा है। तो 40,000 था, अब 44,800 में बेची जा रही है, यानी कि कर कितना लग रहा है। तो 44,800 में से 40,000 घटाएंगे यानी कि 4,800 रुपया कर लग रहा है। तो आपको दर निकालना है,
कितना कर लग रहा है? 4800 रुपया कर लग रहा है। किस पर? क्रय मूल्य पर। क्रय मूल्य कितना है? 40,000। अब परसेंटेज में चेंज करने के लिए 100 से गुणा कर दीजिए, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3 और 4, तो ऊपर बचा आपका 48 और नीचे बचा 4, 4 से काटेंगे तो कितना परसेंट आएगा? 12%। यानी कि मोटरसाइकिल पर जो कर लागू हो रहा है वह आपका 12% हो रहा है। इस तरीके से इस क्वेश्चन का जो आंसर होगा वो आपका ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 को ध्यान से समझिएगा। यदि व्यापार कर की दर 5% घटती है तो एक वस्तु का विक्रय मूल्य 250 रुपया कम हो जाता है। वस्तु का सूची मूल्य क्या है यह आपको ज्ञात करना है। यह अभी क्वेश्चन आपके यूपी पॉलिटेक्निक एंट्रेंस एग्जाम 2012 में पूछा गया क्वेश्चन है, तो ध्यान से क्वेश्चन के लैंग्वेज को समझिएगा। बोला गया है कि व्यापार कर की दर 5% घटती है तो वस्तु का जो विक्रय मूल्य है 250 रुपया कम हो जाता है। यानी कि 5% घटने की वजह से जो वस्तु का विक्रय मूल्य है 250 रुपया कम हो जाता है। यानी कि जो 5% का मान है वह आपका 250 के बराबर है। इतनी सी बात आपको क्लियर है। 5% घटने पर उसका जो विक्रय मूल्य है वस्तु का 250 रुपये घट जाता है। यानी कि 5% की वैल्यू 250 के बराबर है, तो यहां से 1% की वैल्यू निकालिए तो 5×5=25, यानी 1% की जो वैल्यू है वह आपका है 50। अब आपको क्रय मूल्य निकालना है, तो मैंने आपको बताया था किसी भी वस्तु का क्रय मूल्य हमेशा 100% होता है, तो 100% निकालने के लिए दोनों तरफ आप 100 से मल्टीप्लाई कर दीजिए, तो यहाँ पर आपका 100% का मान कितना आ जाएगा? 100% का मान आपका आ जाएगा 5,000 रुपया। यही आपका आंसर हो जाएगा। इस तरीके से इस क्वेश्चन का जो आंसर होगा वो आपका ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 आपका है, नीरा ने एक कमी 12% व्यापार कर सम्मिलित करते हुए 896 रुपया में क्रय की तथा एक पतलून 10% व्यापार कर सम्मिलित करते हुए 1210 रुपया में क्रय की। कमीज तथा पतलून का सूची मूल्य क्या है यह आपको ज्ञात करना है। यह भी क्वेश्चन यूपी पॉलिटेक्निक एंट्रेंस एग्जाम 2012 में पूछा गया क्वेश्चन है, तो ध्यान से क्वेश्चन को समझिएगा। कमीज पर 12% का कर लगता है जिसका सम्मिलित करते हुए 896 रुपया मूल्य है। तो मैंने आपको बताया कि जो आपका कर सहित मूल्य होता है वो आपका 896 दिया है, यानी कि क्रय मूल्य के साथ जो उसका बिक्री कर है इन दोनों का मूल्य आपको मिलाकर दे रखा है कितना रुपया? 896 रुपया। यहाँ पर यह किसका रेट है? कमीज का। फिर आगे बोला गया है इस क्वेश्चन में आपको 12% कमीज का बिक्री कर दे रखा है, तो यह आपका बिक्री कर 12% है और क्रय मूल्य आपको हमेशा और हमेशा 100% लेना होता है, प्लस कर दीजिए। फिर आगे बोला गया है कि एक पतलून 10% व्यापार कर का रेट लगाते हुए 1210 रुपया है। यानी कि जो आपका पतलून है इसका क्रय मूल्य और बिक्री कर सहित इसका जो मूल्य है वह आपका 1210 रुपया है। तो पूछा जा रहा है कि कमीज और पतलून दोनों का सूची मूल्य क्या है, दोनों को आपको ऐड करके बताना है। तो ध्यान से समझिएगा, यहां पर क्रय मूल्य तो आपको 100% ही रखना है और जो पतलून का बिक्री कर की दर है वह आपका है 10%, बराबर आपका हो जाएगा 1210। यहां तक आपको क्लियर है? अब देखिएगा 100 में 12 जोड़ेंगे तो 112% का जो मान है वह आपका है 896। अब 4 से काटिए तो 4×8=32, 4 से काटेंगे तो 4×8, 4×8, फिर 4×16, यानी कि 28% का जो मान आया वह आपका आया 224। अब 4 से काटिए, 4×7=28, 4×5=20, 4×6=24, 7 से काटेंगे तो 7×28, 7×56, यानी कि 1% का जो मान आया
वो आपका आया 8 रुपया। अब आपको सूची मूल्य निकालना है। सूची मूल्य क्या होता है? जो क्रय मूल्य होता है उसी को हम सूची मूल्य भी बोलते हैं, उसी को हम वास्तविक मूल्य भी बोलते हैं। तो आपको क्रय मूल्य यानी कि सूची मूल्य निकालना है। तो सूची मूल्य कितना है? 100%। तो 100% का मान निकालने के लिए दोनों तरफ आप 100 से गुणा कर दीजिए। तो 100% का जो मान होगा वह कितना होगा? 800 रुपया। यानी कि जो कमीज का सूची मूल्य है या कहिए क्रय मूल्य है या कहिए वास्तविक मूल्य है वह आपका 800 रुपया है। अब पतमूल का भी निकाल लीजिए। तो 100% और 10% कितना होगा? 110%। 110% का मान है 1210। 10 से 10 कैंसिल। 11% का मान आपका है 121। 11 से काटेंगे तो 11 बार में जाएगा। यानी 1% का जो मान है वह आपका है 11। आपको पतलून का भी सूची मूल्य निकालना है यानी कि क्रय मूल्य निकालना है या कहिए वास्तविक मूल्य निकालना है। तो 100% है तो दोनों तरफ मैं 100 से गुणा कर देता हूं। तो यहां से इसका जो 100% का मान आएगा वह आपका आएगा 1100। यानी कि पतलून का जो क्रय मूल्य है या कहिए सूची मूल्य है या वास्तविक मूल्य कहिए उसका 1100 है। तो दोनों का आपको सूची मूल्य ज्ञात करना है। तो आपके कमीज का है 800 रुपया और पतलून का है 1100। तो दोनों को जोड़ दीजिए तो 800 प्लस का 1100 कितना हो जाएगा? 1900 रुपया। यानी कि कमीज और पतलून का जो सूची मूल्य होगा वह आपका 1900 रुपया होगा। इस तरीके से इस क्वेश्चन का जो आंसर होगा वो आपका ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। उम्मीद करते हैं प्यारे दोस्तों इस क्वेश्चन को आपने बिल्कुल अच्छी तरीके से समझा होगा। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 आपका है, विनय ने एक किताब ₹50 में खरीदी और उसे ₹55 में बेच दी, उसे कितने प्रतिशत का लाभ हुआ यह आपको ज्ञात करना है। तो ध्यान से इस क्वेश्चन को समझिएगा। एक किताब है ₹50 में विनय खरीदा है और विक्रय मूल्य ₹55 है, तो लाभ कितना हो जाएगा? लाभ निकालने के लिए हम क्या करते हैं? विक्रय मूल्य में से क्रय मूल्य हटाते हैं। तो विक्रय मूल्य आपका है 55 और क्रय मूल्य आपका है 50, यानी 5 का लाभ हो रहा है। तो आपको परसेंटेज ज्ञात करना है यानी प्रतिशत लाभ ज्ञात करना है। तो मैंने आपको प्रतिशत लाभ का फार्मूला बताया। क्या होता है? लाभ गुणे 100% क्रय मूल्य। तो लाभ आपका है 5 × 100 बट्टे का क्रय मूल्य कितना है? 50। तो 50 × 100 यानी कितना लाभ हो रहा है? 10% का लाभ हो रहा है। तो इस तरीके से जो विनय को किताब पर प्रतिशत लाभ हो रहा है वह आपका है 10%। यही आपका आंसर हो जाएगा। इस तरीके से इस क्वेश्चन का जो आंसर होगा वो आपका ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 आपका है, उत्पादक ए एक वॉशिंग मशीन को विक्रेता बी को 12,500 में और विक्रेता बी विक्रेता सी को 800 का लाभ लेकर तथा विक्रेता सी खरीदार को ₹1300 का लाभ लेकर बेचता है। यदि वेंट की दर 8% हो तो खरीदार ने मशीन खरीदने के लिए भुगतान किया। यह भी क्वेश्चन आपके यूपी पॉलिटेक्निक एंट्रेंस एग्जाम 2016 में पूछा गया क्वेश्चन है। तो ध्यान से समझिएगा, कोई उत्पादक ए है एक वॉशिंग मशीन को विक्रेता बी को, यानी जो उत्पादक ए है यह विक्रेता बी को कितना में देता है? 12,500 रुपया में बेचता है। यानी कि ए कोई दुकानदार है जो एक वॉशिंग मशीन को 12,500 रुपया में बी को देता है। फिर आगे बोला गया है कि विक्रेता बी विक्रेता सी को, यानी जो बी है यह भी वॉशिंग मशीन को सी को बेच देता है। कितने में बेचता है? 800 रुपये का लाभ लेकर, यानी 12,500 में खरीदा था, इस पर 800 रुपये लाभ लेकर सी को बेच देता है। तो 12,500 प्लस का 800 करेंगे तो कितना होगा? 13,300 रुपया। यहां तक आपको क्लियर है? फिर आगे बोला गया है कि सी विक्रेता 800 का लाभ लेकर तथा विक्रेता सी खरीदार को 1300 का लाभ लेकर, यानी जो विक्रेता सी है यह अभी किसी को बेच दे रहा है 1300 लाभ लेकर। तो देखिएगा, मान लीजिए यह x को बेच रहा है,
यहाँ पर इसने 13,300 रुपया खरीदा था, जो सी है वह 13,300 रुपया में खरीदा था। 13,300 पर भी 1,300 का लाभ लेकर के एक्स को बेच देता है, तो 0, 0, 3 दुना 6, 3 1 4, 1 4, यानी कि 14,600 में एक्स को बेचता है। तो इस क्वेश्चन को एक बार और समझ लीजिएगा। देखिएगा, कोई विक्रेता ए है, एक वॉशिंग मशीन को बी को बेचता है 12,500 में। अब बी जो है 800 का लाभ लेकर के सी को बेच देता है। अब सी का क्रय मूल्य कितना पड़ा? 13,500 रुपया में बी से खरीदा था। अब 13,300 रुपया में बी से खरीदा था, इस पर भी 1,300 का लाभ लेकर के सी भी बेच देता है किसी खरीदार एक्स को, मैंने मान लिया। यानी कि जो विक्रेता जो यक्ष खरीदा है वॉशिंग मशीन को 14,600 में खरीदा है, फिर उसमें बोला है कि कर की दर, बोला है यदि वेंट की दर 8% हो तो उसका आपको क्रय मूल्य ज्ञात करना है, यानी कि यक्ष का क्रय मूल्य। इस पर भी 8% कर की दर लगता है या वेंट कर कह सकते हैं। तो 14,600 का आप 8% निकाल लीजिए तो आपको पता चलेगा कि इस पर कितना वेंट कर है। तो देखिएगा, 00 से 00 कैंसिल, 8, 6, 48 बचे 4, 8, 32 और 4, 36 को 6, 8, 1, 8, 3, 11, यानी कि इसको 14,600 के बावजूद इतना वेंट कर देना पड़ता है। तो यह भी इसमें जोड़ दीजिए, तो 14,600 रुपया तो क्रय मूल्य था, इस पर इतना वेंट कर है यानी कि 1,168 रुपया वेंट कर है, तो हो जाएगा 8, 6, 6, 1, 7, 4, 1, 5, 1, तो हो जाएगा 15,768। यानी कि खरीदने के लिए मिस्टर एक्स ने उस वॉशिंग मशीन का जो प्राइस दिया 15,768। इस तरीके से आपका ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9 आपका है, एक टीवी का विक्रय मूल्य कर सहित रुपया 40,221, तो उसका मूल्य होगा यदि कर की दर 9% है। यानी कि इस क्वेश्चन में आपको क्रय मूल्य और बिक्री कर दोनों का जो योग का रूप दिया है वो आपका 40,221 रुपया है। क्वेश्चन में बोला गया है कि जो कर की दर है वह आपका 9% है और आपको क्रय मूल्य लेना होता है 100%। इसका जो मान है वह आपको दे रखा है 40,221 रुपया, तो 100% और 9% कितना होगा? 109%। 109% का जो मान है 40,221 रुपया, तो यहां से आप 109 को आप 40,221 को काटेंगे तो 1% का जो मान आएगा वो आएगा 369। 1% का जो मान आएगा 369, आप इसको डिवाइड करके देख लीजिएगा। यहां पर प्यारे दोस्तों आपसे पूछा गया है उसका मूल्य, यानी कि टीवी का क्रय मूल्य, तो क्रय मूल्य को मैंने लिया है 100%, तो 100% का मान निकालने के लिए दोनों तरफ आपको 100 से गुणा कर देना है। तो यहाँ पर आपको 100% का जो मान आएगा वो आपका आएगा 369,00, यही आपका आंसर हो जाएगा। यानी कि जो टीवी का क्रय मूल्य होगा 36,900 रुपया होगा। इस तरीके से आपका ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन नंबर 10 आपका है, सुधा ने एक गुड़िया रुपया 500 में खरीद कर 15% की हानि पर बेच दी, गुड़िया का विक्रय मूल्य क्या था, यह आपको ज्ञात करना है। सुधा ने 500 रुपया में कोई गुड़िया खरीदी है जिस पर उसको 15% का हानि होता है, तो आपको विक्रय मूल्य ज्ञात करना है। तो सबसे पहले 500 का 15% निकाल लेते हैं तो आपको पता चलेगा कि विक्रय मूल्य क्या है। तो 00 से 00 कैंसिल, अब 15, 25, 75, यानी कि 75 रुपए को हानि हो रही है सुधा को, गुड़िया पर 75 रुपए की हानि हो रही है, तो आपको विक्रय मूल्य ज्ञात करना है। तो विक्रय मूल्य क्या होता है? विक्रय मूल्य बराबर होता है आपका क्रय मूल्य माइनस का हानि, क्रय मूल्य माइनस का हानि। तो यहाँ पर आपका जो क्रय मूल्य है वह आपका 500 दे रखा है और हानि आपने निकाला है 75, तो 500 में से 75 घटाएंगे तो आपको मिलेगा 425।
हानि कब होती है? जब हम क्रय मूल्य से भी कम रेट पर किसी को बेचते हैं, यानी कि सुधा ने 500 रुपया में खरीदा था, 500 रुपया से 75 रुपया कम में ही बेच दे रही है, यानी कि 75 रुपए की हानि हो रही है। तो आपसे विक्रय मूल्य पूछा जा रहा है, तो विक्रय मूल्य निकालने के लिए करना क्या होता है? जब हानि होती है तो विक्रय मूल्य निकालने के लिए क्रय मूल्य में से आपको हानि घटाना होता है। तो क्रय मूल्य आपका है 500, 500 में से 75 घटाया तो 425 उसका विक्रय मूल्य आ गया। इस तरीके से इस क्वेश्चन का जो आंसर आया वो आपका ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। इस तरीके से प्यारे दोस्तों, आज की क्लास में मैंने आपको बताया लाभ हानि एवं बट्टा के कुछ बेसिक कांसेप्ट और क्वेश्चन नंबर 1 से लेकर के क्वेश्चन नंबर 10 तक सारे प्रश्नों का सलूशन। यदि आपको किसी भी क्वेश्चन में कोई भी डाउट, कोई भी कंफ्यूजन होगा तो आप उसे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताइएगा। तो प्यारे दोस्तों, आज की क्लास को यहीं तक रखते हैं। यदि वीडियो पसंद आया हो तो ज्यादा से ज्यादा लाइक कीजिएगा, अपने दोस्तों में शेयर कीजिएगा, और जिन लोगों ने अभी तक हमारे चैनल ओटी स्टडी पॉइंट को सब्सक्राइब नहीं किया सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन दबाना बिल्कुल मत भूलिएगा, जिससे हमारी लेटेस्ट आने वाली वीडियो आपको मिलती रहे। सबसे पहले धन्यवाद।